लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेन ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव, एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को बताया गया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि अब चुनाव में जनसभा करने या हेलीपैड बनाने जुलूस निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वेबसाइट बनाई गई है। डीएम ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन से किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पार्टी प्रतिनिधियों को आचार संहिता का पाठ भी पढ़ाया गया। जो आपके पार्टी से एफिलिएटेड हैं, कोई भी इसमें अपना लॉगिन करके परमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेटर में उसका डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। जो अपना मोबाइल नंबर देंगे उनको अपना प्रोफाइल पूरा डिटेल्स प्रोफाइल देना होगा। उसमें उनका नाम, उनके फादर का नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, ईमेल आईडी, ये सब मैंडेटरी फील्ड्स हैं, कंपलसरी फील्ड्स हैं जिनको एंटर करना है। और एसी, किस एसी में आप ये रैली या जिसके लिए भी आप परमिशन चाहते हैं, आप इसको डाल देंगे ये सारी चीज़ें, तो हर बार आप उसके बाद में आपको बार बार ये नहीं डालना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये डालना पड़ेगा। मुझे नहीं दिया गया है, इसलिए इस बात तो मैंडेटरी कर दिया पूरे भारत में, किसको भी आवेदन करना है। डेमो साइट पर ही चल रहा है, अभी फिलहाल डेमो साइट पर नहीं चल रहा है। इसको एक्चुअल साइट आज मीटिंग में तमाम जो कितने एप्लीकेशन मैडम बता देगी, ये तब ये लाइव में चलेगा, आपको पूरा डिटेल दे देंगे, तो उसके साथ आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे जो किसको जो कैंडिडेट है जो किसको करना है। आपने जिसके लिए भी अप्लाई किया होगा वो आपको इसी तरह से स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आपने अगर 3-4 एप्लीकेशन डाले हुए हैं तो उन सबका दिखाई देगा। स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि वेदर वो एप्लीकेशन प्रशासन के द्वारा एक्सेप्ट हो गई है या इन केस वो रिजेक्ट हुई है। तो ये आपके जो परमिशंस थे आपके लिए फॉर मीटिंग्स, रैलीज, व्हीकल परमिशन है, टेम्परेरी इलेक्शन ऑफिस, लाउडस्पीकर्स, हेलीकॉप्टर्स एंड हेलीपैड्स, ये 6 तरह के ऑप्शन हैं जिनके लिए आप लोग ये भी ऑनलाइन हम कर सकते हैं। मतलब ये इसी में आप इनमें से कोई एक के लिए सेलेक्ट करेंगे, आप एक रनिंग लिए या फिर रैली के लिए। एक बार में एक बार में एक करके आपको उतनी बार आपको परमिशन लेने पड़ेंगे। हर विधानसभा वही एक टीम रहेगा जो पीडब्ल्यूडी का, फायर का और पुलिस का, सभी लोग का, जो आप केवल अप्लाई कराना होगा इसी पोर्टल पे। इसके बाद जो पीछे जो भी काम करना हो वो हम लोग का जिम्मेदारी है। सिंगल विंडो सिस्टम, उसके बाद आपको सूचना आते रहता है। आपका वेबसाइट आप लोगों ने नोट कर ली है, सुविधा.eci.gov.in है।